हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एस्केलेबल फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हांगकांग ओमेन वर्सेस नेपाल ओमेन के बीच में जो फाइनल मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। और उस मैच से पहले आप देख सकते हो आज का जो मैच मैंने कवर किया था नेमालुसी ओमेन वर्सेस नेपाल ओमेन के बीच में हुआ था, इसी मैच में उन्होंने ग्रैंड लीग विन किया है, ठीक है। और सेम टीम आप देख सकते हैं, मैंने एक ही टीम, सिर्फ एक टीम दोस्तों, स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था। और एक ही टीम यहाँ पर देख सकते कितने बड़े मेंबर्स वो लीग में रैंक ऑन पा रहे हैं, 1 लाख मेंबर्स तक दोस्तों रैंक ऑन पा रहा है, तब समझ सकते कितना बेहतरीन टीम था। सेम टीम ना आपको हमारे यूट्यूब पे जाइए और जो मैंने इस मैच का मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था ना, वीडियो में भी आपको सेम टीम देखने मिलेंगे। और उस वीडियो में आपको बताया था कि इस मैच में आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं अगर आपने वीडियो पूरा देख लोगे तो। बस वहाँ पर देखोगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इंटरचेंज किया था, बाकी जो टीम आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सेम है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और ग्रैंड लीग अगर जीतना है तो, ठीक है। अगर आपने ए वाली मैच मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ ही है, ठीक है। इस मैच को आप अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ए वाली मैच भी बहुत ही शानदार रहेंगे। टॉस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लेयर चलेंगे, कौन सा प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनानी है, कौन से टीम को फेवरेट बन के टीम बनानी है, क्यों बनानी, सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएंगे, ठीक है। बस वीडियो को बिना स्किप के देखते रहिए और वीडियो के अकॉर्डिंग आप जीएल की कॉम्बिनेशन बनाते रहिए। पता है कि आप लोग काफ़ी दिनों से फैंटेसी खेल रहे पर कुछ भी नहीं कमा रहे, ठीक है, बस आपका जा ही रहा है, लॉस ही हो रहा है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट को फॉलो करते भी होंगे लेकिन अभी तक कोई मिनी ग्रैंड लीग भी आपने नहीं जीत पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपके भाई का बस अब 10 दिन वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 10 दिन वीडियो देखने के बाद वीडियो के अकॉर्डिंग आप जीएल की कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो कुछ तो है, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। जो हमारा पुराना यूज़र है उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैमिली यानी तो हमारे जो स्केलेबल फैंटेसी फैमिली मेंबर्स है ना, उनमें से काफ़ी सारे लोग बहुत बार ग्रैंड लीग जीत चुके हैं, ठीक है। आपके नज़र में मैं शायद छोटा एक्सपर्ट हूँ, शायद कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप हम लोग कुछ मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हो 11:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके वीडियो देख लीजिएगा। अगर दोनों टीम के मैच विनिंग प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए तो भाई सबसे पहले टॉस आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टॉस क्यों आएंगे कि भाई जो भी टीम पहले बॉलिंग करेंगे ना उस टीम का जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जो भी टीम पहले बॉलिंग करेंगे उस टीम का मैक्सिमम बॉलर्स को आप अपने टीम में पिक कर लीजिएगा, उन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बड़ी बड़ी में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर दोस्तों हांगकांग पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हांगकांग के जीतने के चांस है वो ऑलमोस्ट 60-70% हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेपाल पहले बॉलिंग करेंगे तो नेपाल के जीतने के चांस 60-70% हो जाएंगे। आई होप आपने समझ गए होंगे कि मैं आपको क्यों ऐसा बता रहा हूँ टॉस की अहमियत, ठीक है। टॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाल पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो नेपाल को फेवरेट मन के टीम बनाएगा, और हांगकांग पहले बॉलिंग करेंगे तो हांगकांग को फेवरेट मनते हुए अपना टीम बनाएगा, अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऐसा भी होना चाहिए जो बैलेंस होना चाहिए, यानी दोनों टीम का अच्छे अच्छे खिलाड़ी को पिक करके जाइएगा, ठीक है। जो खिलाड़ी आपकी इस मैच में परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं वो कौन खिलाड़ी रहेंगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप के बस एंड तक देखते रहिए। चलिए पहले दोनों टीम का लास्ट मैचेस की स्कोरकार्ड देख लेते हैं इसी सीरीज का, ताकि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए हर एक खिलाड़ी के बारे में। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं मालेश के सामने जो इसी मैच में उन्होंने ग्रैंड लीग विन किया है, तो नेपाल ने पहले बैटिंग करते थे 83 रन बनाए थे। बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं पूजा महतो 1 रन बनाए थे, पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि आपको ना 2 से लेकर 3 ओवर की बॉलिंग देंगे और ये जो बॉलिंग है करेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में करेंगे, ठीक है। पावर प्ले के बाद ये बॉलिंग नहीं करेंगे। फिर देखिए क्राजल श्रेष्ठ यहाँ पर ओपनिंग पर आए थे, 18 बनाए थे, ठीक है, ठीक ठाक पारी खेले थे। यहाँ पर विकेट कीपिंग भी करेंगे तो आप इनको अपने टीम में लेकर जा सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से। इंदु वर्मा बहुत अच्छा पिक रहेंगे, 20 रन बनाए थे, हालांकि यहाँ पर कोई 4 या फिर कोई छक्का नहीं लगा पाई थी, लेकिन ये आपको ना 4 ओवर की फुल बॉलिंग भी देंगे, 3 से 4 ओवर आपको जरूर दे देंगे, तो बहुत ही बड़े पिक रहेंगे इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। नेपाल जब पहले बॉलिंग तो आप इनको जरूर कैप भी से ट्राई कर लीजिएगा। सीतारामन अगर 9 रन बनाए थे, बैटिंग से काफ़ी दिनों से फ्लॉप जा रहे हैं लेकिन बॉलिंग अच्छे से करती है, ठीक है, 4 ओवर की फुल बॉलिंग करेंगे तो इनको भी आप कैप भी से जरूर ट्राई कर लेना जब पेरिंग्स में बॉलिंग करेंगे। रूबीना छेत्री बहुत ही अच्छा पिक है, ठीक है, नेपाल वुमेन की तरफ से नंबर 1 प्लेयर आप मान के जा सकते हैं। बॉलिंग भी बहुत ही शानदार करती है, टीम का कप्तान भी, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल गए हैं, ठीक है। जब नेपाल पहले बॉलिंग करेंगे तो इन्हीं 3ों में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन बारी बारी में ट्राई करते चले जाइएगा। कविता जोशी 4 रन बनाए थे, एक अच्छे बॉलर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करती है। फिर देखिए कविता कनवर 1 रन बनाए थे, ये बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर है, पावर प्ले में हमेशा विकेट चटकाती है, ठीक है, और इस मैच में भी विकेट मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। नेपाल पहले बॉलिंग तो आप इनको भी अपने टीम में लेकर जा सकते हैं। संजय नायर पर 2 रन बनाए थे, फिर देखिए बिंदुरा वाले पे 1 ही रन बना पाई थी। आइए उनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कौन कितना ओवर बॉलिंग किए थे इस मैच में। तो देख सकते कविता कनवर ने भी 2 ओवर में 9 रन दे विकेट लेस, पर बहुत ही अच्छा स्विंग हो रहा था इस मैच में, इन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला।
पूजा वहाँ तो देख सकते हैं 2 ओवर में 13 रन देखे क्रिकेट, फिर देख सकते हैं शीतला नमाका 4 ओवर में 21 रन देखे क्रिकेट, रुबीना चेट्टी 3 ओवर 15 रन देखे क्रिकेट, या पर देख सकते हैं खुशी दंगल ने 1 ओवर में 9 रन देखे 0 विकेट। खुशी दंगल दोस्तों देखिए जो वीक टीम होता है ना उनके सामने बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं, उनको हमेशा बॉलिंग करने का मौका दिया भी जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम के सामने इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दिए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इस मैच में भी हो सकती है इनको ज़्यादा बॉलिंग ना मिले, तो इस खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ जेल में आप रोटेशन कीजिएगा, ठीक है, ये डिफॉल्ट पिक नहीं रहेंगे, इनको आप रोटेशन में रखिएगा। अभी तक जो से एक बहुत ही अच्छा बॉलर है आप इनको जरूर लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम चांस है कि ये आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग दे देंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा बॉलर है। इंदु वर्मा या फिर 2 ओवर बॉलिंग किया था, लेकिन इंदु वर्मा मैक्सिमम चांस है कि पूरा बॉलिंग करेंगे, यानी पूरा 4 ओवर बॉलिंग करने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे इंदु वर्मा की, और बैटिंग भी ऑन डाउन पर आ रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही अच्छा पिक बन जाएंगे। हांगकांग के परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जो कि कुवैत ओमैन के सामने हुए थे और कुवैत पहले बॉलिंग किए थे, हांगकांग देख सकते सिर्फ 75 रन बना पाए थे, वॉल आउट हुए थे, जो कि कुवैत सबसे ज़्यादा वीक टीम है इस सीरीज का, इस सीरीज में जितने सारे टीम खेल रहे हैं उन सारे टीम में से दोस्तों कुवैत सबसे ज़्यादा वीक है, उनके सामने भी देख सकते पहले बैटिंग करते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए तो हांगकांग ने, तो भाई इसीलिए बता रहा हूँ जो भी टीम पहले बैटिंग करेंगे उनका जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा लेस हो जाएंगे, जो पहले बॉलिंग उनका जीतने का चांस ज़्यादा रहेंगे। बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, नताशा माइल्स यहाँ पर पहली मैच खेले थे इस सीरीज में और आते ही एक अच्छे पारी खेले थे, 16 रन बनाए थे, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, मतलब जितने सारे बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे ना उनमें से एक अच्छे प्लेयर है तो इनको पिक कर लेना। फिर देखिए मैरी गोहिल इस मैच में बहुत अच्छा पिक रहेंगे कैप बी सी के लिए, इनको आप जरूर बना सकते हैं कैप बी सी, ठीक है। देखिए हांगकांग जब पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर डिफॉल्ट पिक रहेंगे ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन, जब पहले बैटिंग फिर भी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करती है। फिर देखिए आप यास्मिन 10 मिनट 9 रन बनाए थे, कैरी चेन 4 रन बनाए थे, कैरी चेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैच है तो मैक्सिमम चांस है कि आप अपना कवर कंप्लीटली कराएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एस चैन सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा, सेना सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा, मरियम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे क्योंकि ये भी 4 ओवर के फुल बॉलिंग करेंगे और विकेट टीकर बॉलर है, और जी एल में मैं बोलूँगा इनको ना जोर भी से ट्राई करना, वो भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। बैटी चैन यहाँ पर 0 पर आउट रहते और बैटी चैन भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्यों रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए रुचिता वेंकटेश 3 रन बनाए थे, इकरा शाह 9 रन और यहाँ पर एसयू ने 2 रन बनाए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख रहे थे कौन कितना ओवर बॉलिंग किए थे, तो देख सकते हैं इकरा शाह 2 ओवर में 1 विकेट, बैटी चैन देख सकते 3.3 ओवर में 3 विकेट, फिर देखिए यहाँ पर एसयू 2 ओवर बॉलिंग किए थे, मैक्सिमम चांस है कि 2 ही ओवर बॉलिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, तो जीएल में रोटेशन में रखिएगा। मैरी गोहिल 3 ओवर में 1 विकेट, फिर देखिए कैरी चैन ने 3 ओवर में 7 रन देखे 2 विकेट, और यहाँ पर मैरियम बीबी ने 3 ओवर में 1 मिनट के साथ 2 विकेट, बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखिए वाई दसवानी और यहाँ पर काजल शेषा दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो, दोनों मोस्ट प्रोबेबली टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, ठीक है। काजल शेषा का भाई बैटिंग ऑर्डर कभी भी ना फिक्स नहीं होती है, इनको कभी नीचे भेजा जाता है कभी टॉप ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर वाई दसवानी डेफिनेटली ओपनिंग पर आएंगे, तो जो टीम पहले बॉलिंग करेंगे ना उस टीम का प्लेयर का पिक कर सकते हैं, मैंने अभी के लिए काजल शेषा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। बैटिंग सेक्शन देखिए पी माहो तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग से ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं और बॉलिंग भी पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करने के चांस रहेंगे, तो फिर इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, ठीक है, मैं इनको जरूर पिक करूँगा, और बॉलिंग भी इनका ना काफ़ी शानदार है, यानी बहुत ही शानदार इन स्विंग कराती है, विकेट मिलने का चांस भी रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे पिक बन जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों रहेंगे संजना, आप चाहो तो पिक कर सकते हैं, मैं इनको पिक नहीं करूँगा, मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो एन माइल्स को पिक कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जब देखिए हांगकांग जब पहले बैटिंग तो फिर ड्रॉप कर सकते हैं, जब सेकेंड इनिंग से बैटिंग तो पिक कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में रन बनाना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। बाकी नीचे कोई भी खास ऑप्शन नहीं है और किसी को मैंने पिक करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैंने अभी के लिए दोस्तों सिर्फ पी महातो को पिक कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए सीतारामन मगर, मैरी गोहिल, फिर देखिए अभी इंदु वर्मा, कविता कनवर, रुबीना चेट्टी, कैरी चैन और बैटी चैन, मैंने इन सारे खिलाड़ी को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं टोटल 7 खिलाड़ी को मैंने पिक कर चुका हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से, क्योंकि ये 7ों खिलाड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से बना के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बैटी चैन ना इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छा पिक रहेंगे, स्पेशली वाइस कैप्टन लेकर बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे। हांगकांग जब पहले बॉलिंग करेंगे ना तो आप इनको डेफिनेटली वाइस कैप्टनसी बना के दीजिएगा क्योंकि विकेट टेकर बॉलर है, हमेशा विकेट लेके जाती है, ठीक है। आर वेंकटेश बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रही है तो मैं इनको पिक नहीं करूँगा और मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे भाई यहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए मरियम बीबी, ये तो डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, चाहे हांगकांग पहले बॉलिंग या फिर पहले बैटिंग, आप इनको डेफिनेटली टीम में पिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको दोनों सिचुएशन में अच्छा खासा पॉइंट दिला के जाएंगे, ठीक है, मैं इनको डेफिनेटली पिक करूँगा। यहाँ पर देखिए एक और पिक मुझे चाहिए, 10 खिलाड़ी मेरा हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इकरा शाह,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पेलिंग से बॉलिंग, ठीक है। हांगकॉन्ग जब पेलिंग से बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली पिक कर लेना, क्योंकि पेलिंग से जब भी बॉलिंग करते हैं ना विकेट इनको हमेशा मिलती है। और यहाँ पर रहेंगे दोस्तों के दंगल, ए सी यू, देखिए अलीसन शिव का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपको मैक्सिमम चांस है कि दो ओवर की बॉलिंग दे देंगे पावर प्ले में, तो हो सकता है इनको भी विकेट मिल जाए। तो ऐसे खिलाड़ी को ना अब जी एल में रोटेशन में रखेगा। और दोस्तों जब नेपाल पेलिंग से बॉलिंग करेंगे तो कविता जोशी इसमें आ जाए ना, बहुत ही बढ़िया तगड़ा डिफरेंशियल पिक रहेंगे। सिलेक्शन देख सकते हैं सिर्फ 2% है, ठीक, ऑलमोस्ट 3% हो चुके हैं अभी, तो इनको भी अपने लिए जरूर लेके जाइएगा जब नेपाल पहले बॉलिंग। अभी तक देखिए इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस मैच में आपको जीएल जिता के दे दे, तो इस खिलाड़ी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेपाल जब पहले बॉलिंग इनको आप जरूर पिक करके जा सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर कोई खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो भाई यहाँ पर देखो आपको कितना ऑप्शन मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और में से देखो भाई के दंगल और ए सी यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन दोनों को ना जी एल की रोटेशन में रखिएगा, रोटेशन में, ठीक है। बाकी यहाँ पर इकरा शाहर और कविता जोशी, इन दोनों को भाई आप टॉस के अकॉर्डिंग पिक कर लेना, ठीक है। जो भी टीम पहले बॉलिंग करेंगे उस टीम का प्लेयर को पिक कर लेना, अगर हांगकॉन्ग पहले बॉलिंग तो भाई इकरा शाहर को पिक कर लेना, नेपाल पहले बॉलिंग तो फिर यहाँ पे कविता जोशी को पिक कर लेना। मैंने अभी के लिए दोस्तों इकरा शाहर को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बात की जाए तो मैं बिल्कुल और डेफिनेटली टॉस के अकॉर्डिंग जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, टॉस के अकॉर्डिंग मैं कैप्टन वाइस कैप्टन फाइनल टीम में बनाऊंगा, ठीक है। तो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी चैनल में लगातार बहुत सारे मैचेस के कवरेज मिलते रहेंगे और उन सारे मैचेस भी कवर करता हूँ जहाँ पर आप ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर मारिको हिल को कैप्टनसी दे रहा हूँ और वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पर इंदु वर्मा को दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों ना बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए सीतारामन अगर ये भी एक अच्छी विकेट टेकर बॉलर है, जब पेलिंग से नेपाल बॉलिंग करेंगे तो नेपाल की तरफ से मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर इंदु वर्मा, सीतारामन अगर और रूबीना छेत्री कहाँ गई और नीचे है शायद, ठीक है, यहाँ पर रूबीना छेत्री, ये तीनों बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नेपाल की तरफ से। और हांगकॉन्ग की तरफ से दोस्तों यहाँ पर रहेंगे मारिको हिल, कैरी चेन और बेटी चेन, ठीक है। इन तीनों को डेफिनेटली कैप बी सी बना के जाइएगा जब फेलिंग से बॉलिंग, और मरियम बीबी को भी वाइस कैप्टन साहब जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको रोटेशन करनी है कैप्टन वाइस कैप्टन को टॉस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन में काजल श्रेष्ठा को पिक किया, बैटिंग सेक्शन देखिए पी महातो, ऑलराउंडर सेक्शन रूबीना छेत्री, इंदु वर्मा, सीधारणा मगर, फिर देख सकते हो कविता कनवर, बेटी चेन, फिर देखिए कैरी चेन और मैरिको हिल को पिक किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों किसी भी खिलाड़ी को ना रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, इन सातों खिलाड़ी को आपने हर एक टीम में पिक करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सातों खिलाड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर देख सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में मैंने इकरा शाहर और मरियम बीबी को पिक किया हूँ, लेकिन मैंने इकरा शाहर और कविता जोशी के बारे में जो बताया आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी रहा होगा, ठीक है ना। टॉस के अकॉर्डिंग पिक करना होगा और भी जो दो खिलाड़ी था उनको रोटेशन में रखिएगा इन्हीं में से दोस्तों, यानी यहाँ पर इकरा शाहर की जगह उन दो खिलाड़ी को रोटेशन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है आपको ये पैकेज ज्वाइन होना है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स आपको बिल्कुल यहीं पे मिलते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपको इस मैच में ना माई मास्टर 11 का भी टीम मिल जाएंगे, तो भाई माई मास्टर ऐप को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया भाई जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में खेलोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको हर वीकेंड में आपको 5% की एक्स्ट्रा रियल कैश ऑफर दिए जाते, जैसे कि दोस्तों आपको सैटरडे और संडे को मिल जाएंगे 5% एक्स्ट्रा रियल कैश वाला ऑफर हर वीकेंड में आपको मिलते रहे थे ये ऑफर, ठीक है। तो भाई अगर आपको लॉस कवर करनी है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस एप्लीकेशन में दोस्तों मैंने जब से खेलना स्टार्ट किया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा विनिंग कर रहा हूँ और हमारे जितने सारे मेंबर्स भी खेल रहे हैं उन सारे मेंबर्स ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, पैसा छाप रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी लिंक से डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में स्मॉल ही खेलना स्टार्ट कर दीजिए, आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो मिलते हैं, तब तक बाय।